आप नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजवीन में। आपको बता दें, इस वक्त हम लोग पार्क सर्कस मैदान में। जी हाँ, पार्क सर्कस मैदान है। मेरे पीछे में देख सकते हैं यहाँ पर अंडर वाटर टनल एक्वेरियम। जी हाँ, ये फर्स्ट टाइम पार्क सर्कस मैदान में लगे। तो अभी इस अंडर वाटर टनल एक्वेरियम को 7 पॉइंट के सामने जो मैदान है उसके अंदर, पार्क के अंदर लगाया गया। आपको बता दूँ, क्रिसमस का ध्यान रखते हुए पूरा थीम को क्रिसमस के तरह किया गया। यहाँ देख सकते हैं सेंटा क्रॉस है। यहाँ पर अंडर वाटर टनल एक्वेरियम क्रिसमस, मैरी क्रिसमस का यहाँ पर थीम दिया गया है और लोग आ रहे हैं, क्रिसमस का मज़ा ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि लोग आसपास पार्क स्ट्रीट जाते हैं देखने के लिए, क्रिसमस का मज़ा लेने के लिए जाते हैं। मगर अभी देखा जा रहा है जिस तरीके से लोगों का हुजूम है अंडर वाटर टनल एक्वेरियम में आकर यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रिसमस का थीम रखा गया। हम लोग अभी कुछ देर में अंदर जाएंगे, अंदर में बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि यार जो अंडर वाटर टनल है एक्वेरियम में किस तरह का एक्वेरियम, नया एक्वेरियम में मछली लाया गया क्या है नहीं, आई अंदर जा चलते हैं हम लोग जानने को। इस दुनिया क्रिसमस के रंग में डूबी हुई है, साथ ही नए साल के स्वागत की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। रंग रोशनी और खुशियों के इस माहौल को और भी ज्यादा ग्रैंड कर दिया है पार्क सर्कस मैदान में लगे अंडर वाटर टनल एक्वेरियम ने। इससे पहले भी पार्क सर्कस मैदान के पिछले हिस्से में अंडर वाटर एक्वेरियम लगा था, लेकिन इस बार ये शानदार शो पार्क सर्कस 7 पॉइंट के पार्क सर्कस मैदान में लगा है। ये पिछले शो से ज्यादा ग्रैंड है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम को देखने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि इतना शानदार और यूनिक शो उन्होंने इससे पहले कोलकाता में पहले कभी नहीं देखा है। कुछ लोग तो इसका मुकाबला बैंकॉक और सिंगापुर के अंडर वाटर एक्वेरियम से भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र और समुद्र की मछलियों को पार्क सर्कस मैदान में लाकर रख दिया गया है। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जा रही हैं। चूंकि अंडरवाटर टनल एक्वेरियम का थीम क्रिसमस है, इसलिए यहां आने वाले लोगों के स्वागत के लिए एंट्री गेट पर दो दो बड़े सांता क्लॉज लगाए गए हैं, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी बेहद पसंद कर रहे हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो अंडरवाटर टनल एक्वेरियम एक बेहतरीन हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि यहाँ जहाँ एक तरफ तरह तरह की समुद्री मछलियाँ देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर ऑक्टोपस, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल, एलियन और हाथी के ग्रैंड स्टैचू लगाए गए हैं, जहाँ फोटो खिंचवाने वालों की हर वक्त भीड़ लगी रहती है। तो देर किस बात की है, आप भी फौरन अपने परिवार के साथ पार्क सर्कस 7 पॉइंट मैदान पहुंचे और अंडर वाटर टनल एक्वेरियम के बिल्कुल अनोखे एक्सपीरियंस का मजा उठाएं। बढ़िया किया है, हम बच्ची को लेके आए हैं फर्स्ट टाइम कोलकाता में, बढ़िया है। आप हम बैंकॉक, फुकेत, मलेशिया, सिंगापुर में गए हैं, लेकिन तब भी वो बड़ा है, लेकिन छोटा करके इन लोगों ने जो पहली दफ़ा किया है एकदम ठीक ठाक ही है। तो एंट्री फी भी ऐसी है, ठीक है, 100 रुपया पर पर्सन के लिए, ठीक है। आदमी आलोक भी जा रहा है, गूगल में भी देख रहे हैं, यूट्यूब में देख के, हाँ, तो उसके लिए बढ़िया ही है। क्रिसमस का थीम दिया हुआ है, मेन आपका बच्चा लोग के लिए किया है, लेकिन अंदर में फिश एक्वेरियम के लिए ये लोग अट्रैक्टिव कुछ करने के लिए शायद कुछ दिया है। आगे में क्या एग्जिट है क्या नहीं है हम जानते नहीं है, एग्जिट है शायद, तो ये किया है तब भी मोटा मोटी ठीक ही है। और थोड़ा और एडिशन में क्रिसमस का जैसे थीम दिया हुआ है, या कोई संता क्लॉस या कुछ वगैरह वगैरह, या कोई क्रिसमस ट्री रहने से बच्चे लोग का जो अट्रैक्शन हो जाता था वो थोड़ा बढ़िया रखा गया था। यहाँ 4 साल के बच्चों को फ्री में एंट्री दिया गया, ये लोग बढ़िया ही बोलेंगे, तो 4 साल तक फ्री है तो इस हिसाब से ठीक ही है। मेरा नाम सुकांत शाह है। आए कहाँ से? हम गिरीश पार्क से आए हैं। अमर नाम जिया रहमान। दादा, ये फर्स्ट टाइम एक्वेरियम, अंडर वाटर एक्वेरियम कोलकाता में आया, किस तरह का मज़ा ले रहे हैं, क्या कहना है? या इट्स नाइस एक्चुअली, इट्स टोटली यूनिक, यू नो, लाइक द न्यू प्लान, दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। आई हर्ड सम केरला पीपल्स आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, सो इट्स नाइस एक्चुअली। कैसा लग रहा बेटा यहाँ आकर? अच्छा। हाँ, क्या क्या मछली देखे हो? कौन सा? हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? एल्बनी हॉल पब्लिक स्कूल। कैसा लग रहा है यहाँ पर?